क्लास क्लास 12th मैथ्स प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स कनेक्टेड है। पहले लेक्चर वन पूरा अगर 100% क्लियर नहीं है तो पहले लेक्चर वन देख लो और उसके बाद लेक्चर टू की तरफ चलते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के समय हम लोगों को क्लास 11th का सेट्स क्लास 11th का लास्ट में प्रोबेबिलिटी पढ़े थे उसका काम पड़ने वाला है। ठीक है, वहां पर आप लोग पढ़े थे, पहले सेट्स में पढ़े थे फिर प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे टू इवेंट का, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी याद रहा होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये क्लास 11th का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी था। सेट्स में भी पढ़ना था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, याद आ रहा है, इसका काम पड़ेगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब करना क्या है, 11th में ही सेट्स चैप्टर में और 11th में ही प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़े थे। यूनियन का मतलब और हमेशा होता है, यूनियन का मतलब और इंग्लिश वाला और है, ठीक है, और हमेशा होता है। ठीक है, यूनियन का मतलब और जो है वो हमेशा होता है। ठीक है, आगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 ये तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं मौजूद हो, है ना, नल सेट, तो उसका प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाए, है ना, देन ये अगर ये 0 हो गया तो ऐसे इवेंट को 11th में ही पढ़े थे, इसको हम लोग कहते थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। याद आ रहा है, भूल गए, नहीं याद तो लिखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी होता ही नहीं है और यू कैन से उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो उस केस में ए यूनियन बी का मतलब कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको याद रखना होगा, यूनियन का मतलब और हमेशा होता है, प्लस हमेशा नहीं होता है, प्लस सिर्फ तब होगा जब कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ रहेगा कि वो इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का हो। यूनियन का मतलब और हमेशा, और इंग्लिश वाला है, हिंदी में इसका मतलब या होता है, ठीक है, यूनियन का मतलब और, प्लस हर केस में नहीं होगा, प्लस तब हो जाएगा जब वो क्लियर कट लिखा हुआ रहे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, समझ आ रही बात। अब यहां पर ये वर्ड है, टॉपिक का तो नाम ही है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, इसका मीनिंग ये है कि ये ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब एंड हमेशा होता है, ये हम 11th सेट में पढ़े थे, इंटरसेक्शन का मतलब एंड हमेशा ही होता है, अरे ना समझ में, ठीक है, बट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ रहा हो बाय चांस, इंटरसेक्शन का मतलब एंड हमेशा होगा, मल्टीप्लाई हमेशा नहीं होगा, अगर आ रहा हो तो वैसे इवेंट्स को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पर जो अभी लिखवाया गया है इसी पर हमारा सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड है। पहले एक्सरसाइज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, दूसरे में हमें ये चीज को जानना है और यही मेंस में अभी हम लोग एग्जाम देकर कर आए हैं। तीन टॉपिक में चैप्टर बटा हुआ है, कंडीशनल या ये या फिर तीसरे में बेस थ्योरम है, बोर्ड्स के एग्जाम का भी यही तीनों टॉपिक है, इस बार कटा हुआ सिलेबस के हिसाब से यही तीन टॉपिक आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आने का पूरा पूरी चांस है। बट जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो जरूरी नहीं कि 12th के ही बच्चे बना पाएंगे, इसका क्वेश्चन 11th का बच्चा भी बना सकता है और टू बी फेयर इसका क्वेश्चन 10th का बच्चा भी बना सकता है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में दिमाग लगाने पर 10th का बच्चा भी इसका क्वेश्चन खींच सकता है, इसमें अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ये हो गया वो हो गया कॉम्बिनेशन लग गया बायनोमियल थ्योरम लग गया, ऐसा होने वाला नहीं है। इसका क्वेश्चन बहुत चालाकी से 10th के बच्चे भी खींच सकते हैं अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आया तो, और इसका आता है और चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं। इसमें तीन टॉपिक है इस चैप्टर में, एक क्वेश्चन आना है मेंस के एग्जाम में तो फिर हर टॉपिक का प्रोबेबिलिटी 1/3 ही हो गया, तो इससे भी उतना ही प्रोबेबिलिटी चांस आने का जितना कंडीशनल से जितना बेस थ्योरम आ गया था वाला, प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी भी डाल रहे हो तो 1/3 चांसेस ही बन रहा आने का। ठीक है, इसको लिखो, इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। Let E1 and E2 be two events such that probability of E1 बराबर 0.3, probability of E1 union E2 बराबर 0.4
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू बराबर एक्स, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, क्वेश्चन है ई वन एंड ई टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा ई वन एंड ई टू आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्या करें बताओ जरा, अभी फॉर्मूला देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन यूनियन ई टू बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू। अब पहले क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ई वन एंड ई टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या लिखवा है, ये जीरो आएगा इसके बाद जीरो, तो ये कितना जाएगा, ई वन यूनियन ई टू का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन का वैल्यू दिया हुआ है 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू का वैल्यू दिया हुआ है एक्स, तो ये एक्स बराबर हो जाता 0.1, पहला हिसाब किताब ये है और ये जो है वो किसी है, और दूसरे नंबर पर है ई वन एंड ई टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब अभी बताया था, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ये जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, इस रूल को इसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना, तो फिर ठीक है ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, इसके लिए अब कैसे किया जाए, इसके लिए फिर ऊपर वाले पर चलते हैं, पहले E2 का वैल्यू x है और इसका वैल्यू प्रोबेबिलिटी E1 into प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसी फॉर्मूला पर चलते हैं, E1 union E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो अभी किए दिस इज इनटू सिर्फ तब जब इंडिपेंडेंट इवेंट होगा लिखा हुआ है, E1 union E2 इसका वैल्यू 0.4, E1 का 3, इसका वैल्यू ही x है, माइनस फिर E1 का 0.3 और इसका x है, आ रहा समझ आ रहा है ना, अब बोलो ये इधर क्या 0.1 इज इक्वल टू x माइनस 0.3x, 0.7x हो गया एक्चुअली में, x बराबर 1/7, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू जो है 1/7 या 0.14 1/7 ही है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, और अभी प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी का रूल लगा करके मैं बताया, यही मेंस एनडीए स्कूल तीनों में इस टॉपिक से आने का प्रोबेबिलिटी 1/30 है, ये देखो ये क्वेश्चन करके देख लो फटाफट, ए और बी टू इवेंट है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, बचपन में ये साइन पहली बार पढ़े थे प्रोबेबिलिटी में, कि साइन का मतलब है कि ए यूनियन बी नहीं हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/6, ए इंटरसेक्शन बी का दे रहा है 1/4 और ए का कॉम्प्लीमेंट का दे रहा है 1/4, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी यही होगा कि ये नहीं हो रहा है, तो तुमको ए और बी इवेंट के बारे में बताना है कि इसमें से क्या हो सकता है, ए और बी इवेंट के बारे में बताना है इसमें से क्या हो सकता है, ठीक है, बनाओगे कि मैं बनाऊ, साथ में बनाते हैं, डेटा सेट कर लेते हैं, ए यूनियन बी का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी अगर है 1/6 तो इसका मतलब इसका होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया है 5/6, एक इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये 6th क्लास में पहली बार पढ़े थे, है ना, तो ए यूनियन बी में, फिर इसमें ए का नहीं होने का दे रहा है 1/4, इसका हमें क्या ही करना है, हमें होने का चाहिए, तो ए का हो गया फिर 3/4, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बातचीत हो रही है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है वो 1/4 है, तो कहां से शुरू करें, यहां से शुरू करें, ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा एक चीज देखो इसमें लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रहा है, मतलब ये कौन सा इवेंट नहीं हो सकता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं हो सकता है, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, सी में क्या रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिना क्वेश्चन सॉल्व करके ही पता चल रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 0 आना चाहिए, फाइ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5, प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है, हर सेम ही मिनिंग है, तो अब थोड़ा हाथ पर चलाएं, ए यूनियन बी का दिया हुआ था, मतलब निकाले हम लोग 5/6, ए का
थ्री बाई फोर बी का निकालते हैं अभी, और ए इंटरसेक्शन बी का दिया हुआ है वन बाई फोर, थ्री बाई फोर तो इसको इधर उधर करो जरा, पांच बाई छ माइनस वन बाई टू वाला, तो तीन बाई चार में से एक बाई चार दे तो दो बाई चार होगा ना, दो बाई चार मतलब एक बाई दो, एक बाई दो उधर चले गया, कितना हो गया दो बाई छ, टू थ्री वन थ्री वन, हाँ दिस इज वन बाई थ्री, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ रहा है थ्री बाई फोर और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रहा है वन बाई थ्री, ये दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है कि अलग 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 है, तो वो इक्वली लाइकली होने का चांस नहीं हुआ। इक्वली लाइकली किसको कहोगे, अगर प्रोबेबिलिटी सेम हो जाता तो इवेंट इक्वली लाइकली होता, अलग अलग प्रोबेबिलिटी आ रहा है, इसका मतलब दिस टू आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, आ रहा समझ में। इक्वली लाइकली वाला तो वैसे ही कर गया, इक्वली लाइकली गया, इक्वली लाइकली गया, तो सिर्फ ए बचा, बाकी अभी हम लोग एग्जाम को देने रहे, चेक कर लेते कि इंडिपेंडेंट भी है क्या, इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है वन बाय फोर, ये है, और हमें चेक करना है कि किसके बराबर होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, तो थ्री बाई फोर इंटू वन बाई थ्री, ये सेम ही आता है, तो पहले से ही पता था इंडिपेंडेंट इक्वली लाइकली नॉट है, यहां से पकड़ा गया था और ये इंडिपेंडेंट भी आता, ये तो सही। और ये मेंस 14 और मेंस 17 दो बार एक ही क्वेश्चन पूछा है, मेंस 2014 दिस इज मेंस 2017, बाकी प्रोबेबिलिटी हम लोग मतलब मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग स्कूल लेवल पर ही पढ़िए प्रोबेबिलिटी, में एनसीईआरटी आर्ट्स वाला आदि वाला कैसे ना क्वेश्चन ही बनाने में ध्यान लगाइए, ये चैप्टर स्कूल में भी सही सही बना दोगे तो भी कॉन्फिडेंस आएगा, जेई में प्रोबेबिलिटी और कॉन्फिडेंस कॉम्बिनेशन इफ आईपी है, गलत करके तो कोई फायदा नहीं, जिंदगी का एग्जाम है, करियर दांव पर है, नहीं बनेगा तो गलत थोड़ी कर देंगे, 100% एफिशिएंटली 3D बनेगा, 100% एफिशिएंटली जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स हाइट एंड डिस्टेंस बनेगा। मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब इस टॉपिक का, चैप्टर का लिख रहा है, ए कैन सॉल्व एनसीईआरटी का ही है, इतना इंपॉर्टेंट अगर है और बोर्ड्स में कई बार आया हुआ है तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स गिवन इन अ बुक, ए कोई लड़का है या लड़की है जो कि एक किताब का 90% क्वेश्चंस बना देती है या बना लेता है, एंड बी जो है कैन सॉल्व 70%, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम, के नीचे लाइन खींच लेना, will solve a problem selected at random from the book, english medium ke ho question ka pehle matlab batao kya hua, ek book hai usme kuch question hai, a naam ka ladka usme 90% question bana sakta hai aur b naam ka jo ladka hai wo us kitab ka 70% question bana sakta hai, probability bata do ki us book mein se main koi bhi ek question utha diya, aur at least ka matlab kya hota hai, kam se kam ek matlab koi na koi in dono mein se us question ko kya kar lega, solve kar hi dega, कोई ना कोई उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देगा, उसका प्रोबेबिलिटी बताना है कितना होगा, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है, कम से कम कोई एक, इसका क्या मतलब हुआ, या तो ए या तो बी या दोनों भी चलेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। इसको बनाने का दो तरीका है, मैं बताऊंगा अभी जेई के लिए और स्कूल के लिए, इसको हम लोग एक डेफिनेट तरीके से बनाएंगे और आप मेरे से पढ़े तो आपको मेरा ही वाला तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कितना, मतलब देखना ए का क्वेश्चन सॉल्व करने का चांस कितना रहता है, 9/10, तो उसके नहीं सॉल्व करने का कितना रहता है, 1/10, बी के सॉल्व करने का 7/10 और बी के नहीं सॉल्व करने का 3/10। अच्छा अब बताओ ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, इतना सोचना नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट अंग्रेजी का वर्ड, इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये है तो इंडिपेंडेंट इवेंट, तुमको वो क्वेश्चन आ रहा है बनाने नहीं आ रहा, मेरे को आ रहा है इससे, मेरे तो तुम्हारे को क्या लेना देना, तुम अपना अलग इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तुमको अपना तुमको आ रहा है नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन मेरे को दिया गया मेरे को आ रहा है नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट इवेंट है, समझ आ रही बात। तो इसका भी नहीं बनाने का, इसका भी नहीं बनाने का है, तो प्रोबेबिलिटी उस क्वेश्चन के नहीं बनने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, क्वेश्चन के नहीं बनने का, क्वेश्चन नॉट सॉल्व, नॉट सॉल्व, इससे भी नहीं बना
एंड इससे भी नहीं बना, समझ रहे बाउंस कर रहा है, दोनों से नहीं बना, तो एंड हो गया। एंड का मतलब इंटरसेक्शन हमेशा होता है, मल्टीप्लीकेशन हमेशा नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन तुम तब करोगे जब तुम 100% कंफर्म हो कि इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं, और इस तरह का क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, वो बना रहा है नहीं बना रहा है उससे मेरे को क्या लेना है, अरे समझ। तो नहीं बनने का कितना हो जाएगा, दिस इज 1/10 × 3/10, तो उस क्वेश्चन के नहीं होने का सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 3/100 क्या चांस है, क्वेश्चन ए बी दोनों से ही नहीं सॉल्व, तुमसे पूछा था कोई ना कोई सॉल्व कर देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन गेट सॉल्व कोई करे उससे मेरे को मतलब नहीं है, एक करे दो करे दोनों करे, ये सीधा 1 − 3/100 मतलब 97/100 से आ जाएगा। आज के बाद आप लोग ऐसा क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, समझ में आ गया, फिर से बता दूं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए 90% चांस बना लेने का, बी का चांस 70% बना लेगा, पूछ रहा है कि वो क्वेश्चन कोई ना कोई बना लेगा। अब कोई ना कोई बना लेने का मतलब हो गया या तो ए से बने या बी से बने या दोनों से बने, तो इसमें तो दो ही इवेंट था ना, तो तुम या कर रहे हो। अभी मैं 7 इवेंट वाला क्वेश्चन पढ़ दूंगा, फिर तुम क्या करोगे, इससे इससे या उससे 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 या इससे 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 इससे, ये कैसे पॉसिबल। दो में तो तुम बोल ले रहे हो बहुत आसानी से, एक्चुअली में झमेला है, दो में तुम बड़े आसानी से सबको समझाते रहोगे इससे बने या इससे या दोनों से बने, अभी 7 इवेंट पढ़ दूंगा तो कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसको बनाने का सबसे आसान सीधा साधारण बेसिक तरीका यही है कि उस चीज के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकाल दो और कंफर्म रखो कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट होना चाहिए। नहीं का मल्टीप्लाई करो, 7 इवेंट का होगा तो कर देते ना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ना करना था, सबको मल्टीप्लाई कर देते तो नॉट सॉल्व का आ जाता और 1 से माइनस कर देते तो सॉल्व का आ जाता, उस सॉल्व में सब आ जाता, इससे हुआ, 2 से हुआ, कम से कम 3 से हुआ, 5 से हुआ, 6 से हुआ, 7 से हुआ, सब इसमें मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखेगा तो हम लोग नहीं वाला निकाल लेंगे पहले और 1 में से माइनस करके होने का निकाल लेंगे, होने में सब मैनेज हो जाएगा, कोई एक सॉल्व किया, दो सॉल्व किया, दोनों सॉल्व किया, सब इसी में मैनेज, समझ में आ गई बात। तो ये पैटर्न फॉलो करेंगे, इसमें हर साल बच्चे पूछते इसको दूसरे मतलब तरीके से क्यों नहीं कर रहे, तरीके से दो में तो मैं 5 अलग अलग तरीके से कर दूं, 5 इवेंट का हो जाएगा, 7 इवेंट का हो जाएगा, कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये ठीक है, एकदम 100% एफिशिएंसी काम करेगा। अभी जो चीज बोल रहा था वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अमित एंड निशा अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन अ कंपनी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अमित सिलेक्शन इज 1/5 एंड दैट ऑफ निशा सिलेक्शन इज 1/6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। इस क्वेश्चन से अच्छे से तुम लोगों को ये डेटा समझ में आ जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, चार चीज निकालना है, बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, None of them is selected, at least one of them is selected. पहले बताओ कि ये independent event है या नहीं है, बोलो, ये खुद से वहां सेंटर पर डिसाइड करना पड़ेगा, बोलो, इतना सोचना नहीं पड़ेगा। इंटरव्यू देने अमित आया, निशा आया, दोनों का अलग अलग है, दोनों बहुत सारे इंडिपेंडेंट वाले, लिखित नहीं आएगा, वर्ड पर में लिख के थोड़ी देगा, दो ये इंडिपेंडेंट, खुद ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ए के होने का प्रोबेबिलिटी जो है और बी के मतलब निशा के होने का है 1/6, तो अमित के नहीं होने का कितना हो गया, और निशा के नहीं होने का, अब एक एक करके निकालो, पहले मैं पूछ रहा था दोनों का हो जाने का, बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड मतलब ये एंड हुआ, दोनों का हो जाना, समझ आ रहा है बात, ए एंड, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन हमेशा होता है, अभी मैं बताया, मल्टीप्लाई हमेशा नहीं होता है, मल्टीप्लाई तब होगा जब तुम श्योर हो कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है और ये है इंडिपेंडेंट इवेंट, तो उस हिसाब से दिस लाइक 1/5 × 1/6, दिस इज 1/30। दूसरा अब देखो, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड मतलब किसी एक ही का हो रहा है, इसका मतलब है अमित का हुआ तो निशा का नहीं हुआ, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, मल्टीप्लाई होगा, या का मतलब प्लस, समझ आ रही है बात, या का मतलब प्लस, दूसरा चीज, हाँ अमित का नहीं हुआ और निशा का हो गया, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो अमित का हो जाने का 1/5, निशा के नहीं होने का 5/6, या अमित के नहीं होने का 4/5 और निशा का हो जाएगा 1/6, सो दिस लाइक 5/30, तो
प्लस 4 बाई 30, दिस इज 9 बाई 30। अरे सॉरी, तीसरा वाला बहुत बढ़िया है, तीसरे वाले से पहले मैं चौथा ही वाला निकाल देता हूं, मतलब इसी में तीसरा भी निकल जाएगा। चलो तीसरा निकालते हैं। किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ मतलब ना निशा का हुआ ना अमित का हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 बाई 5 इंटू 5 बाई 6 मतलब 2 बाई 3, दोनों का ही नहीं हुआ। तो अगर अगर किसी एक का हो गया, एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड, तो टोटल प्रोबेबिलिटी अगर 1 है और ये हुआ ही नहीं 2 बाई 3 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, 1 बाई 3 है। ये क्या है, ये है किसी एक का हुआ, अमित का हुआ, निशा का हुआ या दोनों का हुआ, सब इसी में माइनस हो जाएगा। तो नहीं होने वाला जरूर निकाल के चलो और एक से माइनस कर दो तो किसी ना किसी का हो जाने वाला निकल जाएगा। ठीक है, करो। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 persons independently, तो इसमें तुमको गेस भी नहीं करना, पहले से दिया हुआ। 4 persons independently can solve a certain problem correctly with probabilities 1/2, 3/4, 1/4, 1/8 independently है। Then the probability that the problem is solved correctly by at least one of them, मतलब कोई ना कोई सही कर देगा, इसका मतलब समझ रहे, कोई ना कोई सही कर देगा, मतलब चारों कर सकता है, ए करे बी सी डी नहीं करे, बी करे सी डी नहीं करे, ए बी करे सी डी नहीं, तो ये हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप लोग जो दूसरा वाला तरीका बताया वही कर देते हैं। ए अगर कोई लड़का है, इसका होने अगर इसका सॉल्व करने का 1/2, तो इसका नहीं सॉल्व करने का कितना होगा, वो भी 1/2। बी अगर कोई है, अगर वो सॉल्व कर सकता है 3/4, तो वो नहीं सॉल्व करता है का 1/4, है ना। सी अगर कोई लड़का, उसका सॉल्व करने का 1/4, तो सी के नहीं करने का 3/4। और डी अगर कोई लड़का है, इसका सॉल्व करने का 1/8 है, तो उसके नहीं सॉल्व करने का 7/8। तो हम लोग इसको पूरा नहीं सॉल्व होने का ही निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नॉट गेट सॉल्व प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन नॉट सॉल्व, यही सबसे बढ़िया तरीका है। नॉट सॉल्व का मतलब हो गया ना इससे हुआ, ना इससे हुआ, ना इससे हुआ, ना इससे हुआ। और नॉट सॉल्व होना भी, अगर सॉल्व होना अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो नॉट सॉल्व होना भी तो इंडिपेंडेंट है। और जब तक कंफर्म नहीं हो कि इंडिपेंडेंट है, तब तक मल्टीप्लाई करना मत शुरू कर देना। यही आज के क्लास का समरी है। जब तक कंफर्म नहीं रहा कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यूनियन को प्लस करना मत शुरू कर देना। और जब तक कंफर्म नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है, तब तक इंटरसेक्शन में एंड तक ठीक है, मल्टीप्लाई करना मत शुरू कर देना जब तक कंफर्म नहीं हो कि इंडिपेंडेंट इवेंट। और एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ रहता है। बाकी कितना हो गया, नहीं होने का 21/256, तो होने का प्रॉब्लम गेट सॉल्व। इसमें सब मैनेज हो जाएगा, एक किया, चार किया, तीन किया, सिर्फ दो किया, 1 - 21/256, सो दिस इज लाइक 235। इसका क्वेश्चन घर पर आज ही बना के देख लो, ये एडवांस 2013 का है। और एक बोर्ड्स का फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती, ये टॉपिक खत्म है। एक बोर्ड्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा देता हूँ और फिर ये दूसरा टॉपिक यहाँ पर हमारा खत्म। तो 5 times बोर्ड्स एग्जाम का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 5 बार आया है, फिर आ सकता है, प्लस जेईई मेंस और एनडीए सब तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इस टॉपिक का क्वेश्चन क्या रहा है, ए स्पीक्स द ट्रूथ, एक लड़का है ए, वो 60% ऑफ द केस में सच बोलता है, ए स्पीक्स द ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस, और बी से तो मेरा ही नाम है, तो इन 90% ऑफ द केसेस बी जो है वो 90% ऑफ द केस में सच बोलता है और ए जो है वो 60%। ये थोड़ा डेटा गलत है, मेरा तो 99.99 होता बट 90 है, है ना। क्वेश्चन है, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस, इन व्हाट, तुम क्या हंस रहे हो, मत जाओ यहां पर, तुम अपना देखो, तुम्हारे आईएससी के 10% आएंगे, हमारा जीए बिटा तो 6%। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, अब इंग्लिश मीडियम के, इसका मतलब बताना, व्हाइल स्टेटिंग द सेम फैक्ट, एक ही बात बोल रहा है और दोनों एक दूसरे से अलग बोल रहा है, ऐसा कब पॉसिबल है। एक बात बोलना है, कोई एक बात बोलना है, फैक्ट है, एक बात बोल रहा है लेकिन दोनों अलग बात बोल रहा है, ये कब संभव है। हाँ, दोनों में से, हाँ मतलब कोई एक ही वाली बात होगी, इसमें वो नहीं कि दोनों में से दोनों सही, वो हो ही नहीं रहा, एक ही बात बोल रहा है, वो फैक्ट है, मतलब वो बात सही है,
फिर भी हम दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब हम दोनों में से कोई एक आदमी सच बोल रहा है, कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, तो ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी अगर 60/10 है तो उसके झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 40/100 मतलब 4/10 हो गया, और बी का सच बोलने का अगर 9/10 है, बी के झूठ बोलने का 1/10 है। बाकी आप लोग खुद ही बताए हैं, इसका मतलब ही यही है, एक ही सही एक ही फैक्ट है, मतलब वो एक चीज है, उसमें दो आदमी अलग तभी बोल रहा है जब कोई एक आदमी सच कोई एक आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो या तो ए सही बोल रहा है बी गलत, और ए का सही बोलना बी का गलत बोलना इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों को कोई कनेक्शन नहीं ए का बी का। पिछला क्वेश्चन मेंस एडवांस का था तो उसमें मेंशन था, ज्यादातर क्वेश्चन में खुद सोचना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है मल्टीप्लाई चलेगा, बी के नहीं होने का, मतलब बी का झूठ ए का सच, या मतलब प्लस। ठीक है, ए का झूठ बी का सच, और कुछ पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ए का सच 6/10 है तो उस केस में बी झूठ बोल रहा है, और अगर ए झूठ बोल रहा है उस केस में बी जो है वो सच बोल रहा है, लाइक 42/100 42%, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाकी सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो गया, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। पहला एक्सरसाइज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा एक्सरसाइज है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो अगर ध्यान से अगर हम लोग लिखते लिखते सिलेबस को भी एक बार नोटिस करेंगे तो इस चैप्टर में जो हमारा इस बार का सिलेबस है 12th बोर्ड्स में प्रोबेबिलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना भाई, तो 12th प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके, उसके बाद पढ़ना था मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके, उसके बाद पढ़ना था इंडिपेंडेंट इवेंट का बेसिक्स तो वो पढ़ चुके हैं, इसके बाद बेयस थ्योरम है वो एक क्लास लगेगा, और एक रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो वाला है टेबल बना करके बनाने वाला है तुम्हारे सिलेबस में इस बार, तो वो एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स टाइप का है तो वो इंटरेस्टिंग ही है, बट ये आज घर पर जाकर के एटलीस्ट एनसीईआरटी जरूर सब लोग अपना अपना बना लें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में विद बेयस थ्योरम, फनी टॉपिक है, 12th क्लास मैथ्स का टॉप 5 टॉपिक में से एक है, वो करेंगे अगले क्लास में।